जय हिंद साथियों, नमस्कार नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों में शेयर कर देंगे। साथियों, आज की इस क्लास की बात करें तो अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने बात किया था वर्णमाला में, वर्णमाला के बारे में और स्वर के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर पहली क्लास को देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला के अंदर व्यंजन। आज हम लोग व्यंजन के बारे में बात करेंगे जिसे अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सभी साथियों से एक बार फिर से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाए या आप इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी क्लासों की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, और आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन, जिसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो बात करते हैं क्या होता है व्यंजन। तो साथियों, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, अर्थात बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन जो होते हैं ये पूरी तरह से स्वर पे निर्भर होते हैं। स्वर का प्रयोग करके ही हम लोग व्यंजन का उच्चारण कर पाते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने स्वरों के बारे में बात किया था और आपको बताया था कि स्वर वे होते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिनको बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे व्यंजन की बात हो रही है तो व्यंजन में ऐसा नहीं है। व्यंजन का उच्चारण करते समय यानी व्यंजन को बोलते समय हम लोगों को स्वर की आवश्यकता पड़ती है, और स्वरों की सहायता से हम लोग व्यंजन का उच्चारण कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितनी है, व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है। तो साथियों, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। आइए अब हम लोग व्यंजनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो साथियों, अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन के प्रकार के बारे में। तो निम्न प्रकार के व्यंजन हैं, इसमें आपका पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसके बारे में हम लोग आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, चौथा है आपका उष्म व्यंजन और पांचवा है संयुक्त व्यंजन। तो एक एक करके हम लोग सभी व्यंजनों के बारे में बात करेंगे, और आज की इस क्लास में हम जिस व्यंजन के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्पर्श व्यंजन। तो चलिए बात करते हैं साथियों, स्पर्श व्यंजन क्या होता है। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। स्पर्श यानी होता है छूना। क्या है? छूना। स्पर्श का अर्थ है छूना, यानी जब किसी व्यंजन को बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी विशेष स्थान, अब ये विशेष स्थान क्या क्या हो सकते हैं, कंठ हो सकता है, तालु हो सकता है, मूर्धा हो सकता है और दांत हो सकता है। तो जब किसी व्यंजन को बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत को छुए, तब ऐसे व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी इस प्रकार के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अंदर किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, इनमें से किसी को जब वो टच करती है यानी छूती है, तब इस प्रकार के व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे तालु और मूर्धा इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा कि तालु क्या है, मूर्धा क्या है।
तो इसके लिए आप क्या करिए, इन दोनों में अंतर समझने के लिए आप अपनी एक उंगली लीजिए और उसे मुंह के अंदर डालकर ऊपर गोल गोल घुमाइए। जब आपकी उंगली किसी चिकने तल को छूती है ना, जब आपकी उंगली किसी चिकने तल को छुएगी तो वो चिकना वाला जो तल होगा, जो सतह होगा, उसे हम लोग तालू कहते हैं। तो जब आपकी उंगली किसी चिकने तल को छुएगी तो वो आपका तालू कहलाएगा, और जब थोड़ा खुरदरे स्थान को छुएगी तब उसे हम लोग मुर्दा कहते हैं, और तब उसे हम क्या कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। यानी पहले तालू पड़ेगा और तालू के जस्ट आगे आपका मुर्दा पड़ेगा, है ना। तो आप ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं, आपको अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं साथियों, स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में साथियों 5-5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ग होते हैं, अतः कुल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण द्वारा लिखा जाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम होता है और वो उसके प्रथम वर्ण के द्वारा उसका नाम निर्धारित किया गया है, और इस आधार पर इसे हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन, है ना। तो स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक 5-5 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं, अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ठीक है। जैसे क वर्ग हो गया आपका, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया, है ना। इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। क वर्ग में आपका आएगा क, ख, ग, घ, ऋ, है ना। च वर्ग में आपका आएगा च, छ, ज, झ, इया, है ना। ट वर्ग में आपका आएगा ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आपका आएगा त, था, द, ध, न। और प वर्ग में आपका आएगा प, फ, ब, भ, मैं। तो ये आपके क्या हैं, स्पर्श व्यंजन हैं, और इनकी संख्या कितनी है साथियों, 25 हैं, है ना। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण का स्थान क्या है। स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण का स्थान क्या है, जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, है ना। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है साथियों, कंठई। क्या है, कंठई, अर्थात कंठ से, है ना। इसे हम लोग कंठ वर्ग भी कहते हैं। यानी क वर्ग जितना भी आपका क वर्ग है, क, ख, ग, घ, ण, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो आपकी कंठ से होता है, है ना। इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। अगला है आपका च वर्ग, और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। क्या है, तालव्य, अर्थात तालू। और तालू के बारे में मैंने अभी आपसे बताया कि आप अपनी उंगली को मुंह के अंदर डालेंगे और गोल गोल घुमाएंगे, तो मुंह के भीतरी ऊपरी छत का जो पिछला भाग होगा वो आपका तालू होगा, जो चिकना होगा, है ना। और टे वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन्य, अर्थात मूर्धा। ये आपका क्या होता है, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। आप जब अपनी उंगली को मुंह के अंदर डालेंगे और गोल गोल घुमाएंगे तो पहले तो आपको चिकना सतह मिलेगा और उसके जस्ट आगे आपको खुरदरा सतह मिलेगा। तो जो चिकना वाला होगा वो तो आपका तालव्य होगा यानी तालू होगा, और जो खुरदरा मिलेगा वो आपका मूर्धा यानी मूर्धन्य होगा। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठई यानी कंठ से है, और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य अर्थात तालू से है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य अर्थात मूर्धा से है, जो कि मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान साथियों दंते से है। क्या है, दंते से, अर्थात दांत से है, है ना।
तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंते यानी दांत से। तय वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण हमारे दांतों से होता है। पय वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठय यानी ओठों से है। कहाँ से है? ओठों से है। तो साथियों, स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान जो है वो कुछ इस प्रकार से है। क वर्ग का कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, और त वर्ग का दांत से, और प वर्ग का ओठ से। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा, व्यंजन की कितनी संख्या होती है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और इनमें से हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन के बारे में बात किया। इससे अगली क्लास में हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। तो साथियों, आप लोग डेली क्लास में बने रहिए। हम हिंदी वर्णमाला जो हमारा टॉपिक है इसे 2-4 दिन में कंप्लीट कर देंगे, है ना। बाकी के जो भी व्यंजन हैं उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही, और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए आप और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।